लानत है बाबर आजम पर, उसे चाहिए शुहारे जाके बेचे। मैं यही कहूंगा कि यार इसने जो जुआरी हैं जो बैट लगाते हैं उन सब की मांगों चुदवा दिया इस बंदे ने। तो इधर हिजड़े हिजड़े आते हैं ना मांगने के इशारों में, उसे बैट तो पकड़ा दे बाबर आजम का हिजड़ा। हाँ वो हिजड़ा है गांड, टुक टुक वाला सीन अभी भी चल रहा है। वो टेस्ट खेलता ना, वो वनडे समझता ही ना टोरंटो। और फाइनल आप तो बहुत दूर की बता रहे हैं, ये तो अगली दो तीन इनिंग्स में भी फारिग हो सकते हैं। गांड पसंद है ये रोहित शर्मा को, उसके लिए उसने अपना प्राइवेट जेट भेजा है भाई। और बदनाम हुआ पड़ा है ना, कोई खेलते है ना लहरा ना देना, ना इनकी बैटिंग है ना बॉलिंग। किंग है ना, मेरा किंग नहीं है वो, हिजड़ों का किंग है। हिजड़ो किंग आप यार, हिजड़ो का मुझे आप बता जो हर चीज का, हर चीज का बेस्ट प्लेयर है, उसको सियासतदान की उसकी वालदा फोत हो गई या वालद फोत हो गया तो उसे वापस भेज दें, कोई और बंदा भेज दें टीम। बाबर आजम जो कि एज अ कैप्टन पाकिस्तान के, जो कि हमारे सरों पे मुसीबत बनी हुई है। अहमदाबाद मैं तेरी गांड मारूं, शायद तेरे अंदर एनर्जी आ जाए, तू भी हिटमैन बन जाए। यार उसने परफॉर्म साबित कर दिया है कि ये बोंडा है, गांडू है। वालेकुम अस्सलाम अंसर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अंसर भाई, फाइनली बाबर आजम ने आज अच्छा परफॉर्म किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया यार उसने परफॉर्म साबित कर दिया है कि ये बोंडा है, गांडू है। आज इसने साबित कर दिया है कि छोटी एक नेदरलैंड छोटी सी टीम है जिसने कह दिया कि मैं गांडू हूँ, गांडू रहूँगा, गांडू था। तो आप जो कुछ कहते हैं कहते रहें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं गांडू हूँ, गांडू रहूँगा। बाबर आजम ने आज ये साबित कर दिया। आप मुझे बताया बाबर आजम किंग 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 किधर गया? किंग वो गांड मरवाने गया इंडिया नहीं आंसर भाई, आपने कल भी मैंने आपसे इंटरव्यू लिया था, आपने कहा था बाबर आजम को मैं रोहित शर्मा को सिर्फ गांड देने गया है, विराट कोहली को गांड देने गया है, रोहित शर्मा को इसकी गांड पसंद आ गई है, उसने अपना प्राइवेट जेट इसके लिए स्पेशल भेजा है कि भाई इधर आ अहमदाबाद, मैं तेरी गांड मारूं, शायद तेरे अंदर एनर्जी आ जाए, तू भी हिटमैन बन जाए। या नहीं इतनी गाली क्यों दे रहे आज बाबर आजम को? यार उसने साबित कर दिया कि 15 बॉलों में 5 रन, कोई है हिस्ट्री में कोई कैप्टन? कोई अच्छा कसम से आप खेल लेंगे, इससे अच्छा जो इधर हिजड़े हिजड़े आते हैं ना मांगने के इशारों में, उसे बैट पकड़ा दे। बाबर आजम का हिजड़ा वो, हाँ वो हिजड़ा है, गांड देता है। रोहित शर्मा को दी नहीं भाई, आप चेक करें, इतने इतने दुनिया के माने ताने बैट्समैन गए हैं इंडिया, जैसे कि डेविड वार्नर हो गए, विलियमसन हो गए, उसके बाद बटलर हो गए, इतने इतने बड़े बैट्समैन गए हैं, सिर्फ बाबर आजम की गांड पसंद है ये रोहित शर्मा को, उसके लिए उसने अपना प्राइवेट जेट भेजा है भाई, इसमें बैट फिर टपाटप कर। और अमामुल हक्के वाले से क्या कहेंगे आप? उसने भी यही साबित कर दिया है कि मैं भी बहन चोदों का इमाम हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं आप इस तरह गालियाँ दे रहे हैं, क्या फ़ायदा इस गालियाँ देने का? शायद ये गैरत की गोली नहीं, वो खाएगा, वो उन दोनों नहीं खानी, टुक टुक वही आपके बात वाली टुक 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 लगे हुए हैं। मेरे दिल पर दर्द हो रही है, क्यों? जैसे आज अच्छी बैटिंग की है ना देख के यार, इफ्तिकार चाचा ने क्या किया, उसने भी आप नहीं है वो, कोई मसला नहीं, कभी कभी बैड लक होती है, हर मैच में तो बंदा नहीं चलता। चाचू जो इफ्तिकार है अच्छे बैट्समैन है, तो मोहम्मद रिजवान भी अच्छे बैट्समैन है, लेकिन बाबर इमाम और जो हमारे वो फखर जमान वो भी काफ़ी मैचों से नहीं चल रहे, तो उसे भी निकाल दें, बाबर को भी निकाल दें, रिजवान को भी निकाल दें। आपका तो बाबर किंग है ना? मेरा किंग नहीं है वो, हिजड़ों का किंग है। हिजड़ो किंग आप यार, हिजड़ो का मुझे आप बता दें, हिजड़ो किंग क्यों कहते हैं आप? यार आप ही देख लें कि रोहित शर्मा ने इसके लिए प्राइवेट जेट क्यों भेजा। अच्छा वो मुझे बताएं, अगर यही करा तो हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है तो हम कैसे, हमारे पास नेदरलैंड का मैच नहीं चल पाया तो हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पे क्या करेंगे? मैं तो पीसीबी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ना ही करवाएँ, तो बाबर आजम का कोई बहाना ढूंढ लें कि जी उसकी वालदा फोत हो गई या वालद फोत हो गया तो उसे वापस भेज दें, कोई और बंदा भेज दें टीम में। नहीं तो बाबर यार आपने मुझे कल इंटरव्यू, उन्होंने अच्छा प्रोटोकॉल मिला है तो बाबर आजम को क्या इसी चीज़ का गुरूर था? बिरयानियाँ भी खाई उन्होंने, बिरयानियाँ उनको चढ़ गई। तो साले खाने पीने गए हैं जी, हमें बीफ नहीं मिल रहा, मटन नहीं मिल रहा, बिरयानी स्पाइसी मिल गई है, तो ये तो बच्चियाँ ढूंढने गए हैं उधर, तो इन्जॉय करने गए हैं, झूले लेने गए हैं प्राइवेट जेटों में, रोहित शर्मा को देने गए हैं पता नहीं क्या क्या, तो खेलने थोड़ी है। अच्छा लास्ट में आप क्या कहेंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, हाँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, क्या ये परफॉर्म यही परफॉर्म करेंगे बाबर आजम जिसने आज जैसा कर रहा है वैसे ही करेगा? अच्छा को नहीं, उम्मीद नहीं है जीतने, उम्मीद ये इंडिया देंगे आप? लास्ट में यही कहूँगा कि यार इसने जो जुआरी हैं जो बैट लगाते हैं उन सब की मांगों चुदवा दिया इस बंदे ने, ठीक है, रोड पे ला के खड़ा कर दिया, रोड पे ला के खड़ा कर दिया, मेरा वॉलेट खाली कर दिया इस बंदे की वजह से, ये सिर्फ 100 रुपये बचा है, 100 रुपये हो गया।
वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड का मैच है और जिस तरह बाबर आजम ने स्पीच की थी और जो कि पाकिस्तान के उन्होंने बोला जी मैं अभी किसी को जवाब नहीं दे रहा, मैं वहाँ पे इंडिया में जाके पिच पे आके जवाब दूँ, क्या जवाब दिया आज 15 बॉलों पे 5 स्कोर किया? यार उन्होंने जवाब क्या देना है, बस जो खेल सके हैं, जो उन्होंने जवाब दिए इंडिया में जाके, जो आपने भी देख लिया हमने भी देख लिया। सर ये क्या परफॉर्मेंस है? चले हम उनकी बात छोड़ो, मामूल हक ने किया कि मामूल हक में कोई स्कोर नहीं किया, ये टुक टुक करते रहे, ये पूरी ज़िंदगी में टुक टुक ही करते रहना। देखें वो एक इमरान खान ही था जो हर चीज़ का बेस्ट प्लेयर है, उसको सियासतदान का बादशाह कह लो, क्रिकेट का बेताज बादशाह कह लो, कुछ भी कह सकते हो, बाकी ये सब खिलाड़ी नहीं है, ये खिलाड़ी नहीं है ना। तो मुझे ये बताए आज जिस तरह रिजवान ने परफॉर्म किया और साउथ शकील ने परफॉर्म किया, अदर इन दोनों की वजह से थोड़ा सा हमारा स्कोर चलना शुरू है, जो दो बंदे ने एक कैप्टन होकर क्या परफॉर्म किया, अगर ये हालात रहे तो आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप हम सेमीफाइनल फाइनल में जाएंगे? हम सेमीफाइनल और फाइनल आप तो बहुत दूर की बता रहे हैं, ये तो अगली 2-3 इनिंग्स में भी फारिग हो सकते हैं। मतलब आपको बिलीव नहीं पापा आजम ने जो कर, नहीं इन पे पाकिस्तानियों पे बिलीव कौन कर सकता है आप बताएं? आपको पता है हम लोग मैच कभी भी क्रिकेट ग्राउंड में नहीं हारते, हमेशा बंद कमरों में हारते हैं, शायद आपको पता है या नहीं, लेकिन जहाँ तक हमारी नाकिसुल अकल काम करती है वो ये है कि हम लोग मैच कभी भी नहीं हारे ग्राउंड में, हमारे प्लेयर बहुत अच्छा खेल सकते हैं, खेल सकते हैं, खेलते नहीं हैं। अच्छा खेल सकते हैं, ठीक है, उनको खेलने दिया ही नहीं जाता। ठीक है, आप लास्ट में कोई बाबर आजम के हवाले से कोई बात करेंगे कि उन्होंने आज क्या परफॉर्म किया, तो आगे अगला मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो ये हालत है नेदरलैंड के, नेदरलैंड के मैच में ये हालत है, तो इंडिया के वर्सेस पाकिस्तान में क्या हालत है? यार वो अपना गांधी जी चलाएंगे यार, ख़त्म। अच्छा सर मुझे पता है बाबर आजम जो कि एज अ कैप्टन पाकिस्तान के, जो कि हमारे सरों पर मुसीबत बनी हुई है, उन्होंने आज क्या परफॉर्म किया 15 बॉलों में 5 स्कोर? सबसे पहली बात मैं उसको बैट ही नहीं मानता, ठीक है, बैट्समैन नहीं मानते क्या है वो, उसके कोई भी रन देख लें आप देख लें 50-60 गेंदें होती हैं 50 रन होता है, या 70 बॉलें होती हैं 50 रन होता है, ये कोई यार मुझे बताएं मामूल हक ने क्या किया? चल बाबर आजम पे अपनी लास्ट टाइम जब उनकी यहाँ पे मीडिया में बात हुई तो उन्होंने क्या जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बोला कि मैं आपको इंडिया में जाके बताऊंगा, वहाँ पिच में बताऊंगा, क्या बताएंगे ये बताना था हमें? उन लोगों ने ये कहा था कि हम लोग बताएंगे कि सबसे पहले हम लोग एयरपोर्ट आएंगे, हमें फिर विश करने आना आगे से, वो ये कह रहे थे। अच्छा वो ये अच्छा बिरयानियाँ खा रहे हैं, याशी कर रहे हैं, क्या ये यही करना हमने आगे से? कह रहे जी हमारे से बिरयानियाँ में खिलाई जा रही है। अच्छा। और हमारे से खेला नहीं जा रहा, हमारी फील्डिंग नहीं हो जा रही, ये भी बात ऐसे भी आप उनसे अच्छी जिम्बाब्वे की टीम है यार, क्यों आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं, बदनाम कर रहे हैं ये पाकिस्तान को, खाम खा आपको पता ही है, और बदनाम हुआ पड़ा है ना, कोई खेलते हैं ना लहरा ना देना, ना इनकी बैटिंग है ना बॉलिंग है, ठीक है, वो उसको देख लें क्या कहते हैं, उसने उस दिन 70 रन खा लिया 10 ओवर में 90। मामूल हक ने क्या किया है? मामूल हक के बारे टुक टुक जो कोई अंसर भाई हमें कहते हैं टुक टुक टुक, वो टुक टुक वाला सीन अभी भी चल रहा है, वो टेस्ट खेलता ना, वो वनडे समझता है ना, 2020 समझता है, वो टेस्ट खेलता है, टेस्ट खेल इंजॉय कर रहे हैं, पर्ची पे है, फिर जो पर्ची पे आते हैं आपको पता है उन लोगों को सैलरी की गर्ज होती है, ये हालात रहे तो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच है तो हम तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और भाई सबसे पहले इन लोगों ने एयरपोर्ट पे आना है, सबसे पहले इन लोगों ने आना है, हम लोगों ने फिर इनको लेने जाना है, फिर हम लोग वहाँ पे ये भी कहेंगे जीते या हारो हमको तुमसे प्यार। अच्छा आप कहेंगे? हाँ मैं तो जरूर कहूँगा। चलो ठीक है, देखा आज का जी जी। अच्छा मुझे ये पहले बताया बाबर आजम कैप्टन, बाबर आजम कहते हैं जी मैं जाऊँगा वहाँ पे जाके मैं ऐसे स्कोर करूँगा ये करूँगा, मैं तो आपको बताऊँगा, क्या बताया उसने? सर लाख लानत है बाबर आजम पर, उससे चाहिए शुहारे जाके बेचे वापस घर आ जाए। तो ये देखो बाबर ने एज अ कैप्टन होके क्या परफॉर्म किया इन्होंने, हमें शर्मिंदा का मामूल हक की बात के मामूल हक कोई टुक टुक लगे हुए हैं, क्या 15 आपने 15 बॉलों में आपने 5 स्कोर किया है, क्या शर्मिंदगी है, पूरी वर्ल्ड के अंदर हमारी नाक कटवा दी है बाबर आजम ने, सर नाक कटवा दी है, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया सर। तो आपको नहीं चाहिए बाबर आजम को वापस ही आ जाना, वापस क्यों आ जाना चाहिए सर, इसको आन के शुहारे भेजने चाहिए। चलिए जी बाबर आजम को शुहारे भेजे, फाइनली बाबर आजम शुहारे भेजेगा। ओके ओके।